वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में ये वीडियो बन चुकी है। इससे पहले हमने कंप्यूटर की दो वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें बेसिक हमने कंप्यूटर का पढ़ा और हमने हिस्ट्री के बारे में भी कंप्यूटर का पढ़ लिया है। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो इनपुट डिवाइसेस पे होगी। और जो भी न्यू व्यूअर्स, उनको हम बता दें कि हम सीरियल में अपने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम कंप्यूटर का साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। और टीचर के तो काफ़ी लेट एग्ज़ाम है, बट जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उसमें भी ये 10 नंबर का ये टॉपिक आएगा, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो मैं कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर लूँगा, उनके एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो जो भी न्यू व्यूअर्स, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके आपको वहाँ पर चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आपको फोल्डर मिलेगा इकोनॉमिक का, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का फोल्डर, वहाँ पर जो पहले की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हमारा इनपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर है। तो हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेज हैं जिनसे हम सिस्टम में इनपुट करते हैं। सबसे पहले इनपुट क्या होता है, जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन जो सिस्टम में फीड करते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब जो डाटा या जो हम ABC लिखते हैं या जो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, जी आवाज़ सिस्टम में रिकॉर्ड होती है, ये सब हम इनपुट कहलाती है, ठीक है। हम इनपुट करते हैं तो हमारे पास तमाम बड़े सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम सिस्टम में जो अपने इंस्ट्रक्शन होते हैं, डाटा जो भी हम लिखते हैं वगैरह, वो सिस्टम में फीड करते हैं, हम सिस्टम के अंदर डालते जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या डिवाइस जिनसे जिनकी हेल्प से हम सिस्टम में डाटा फीड करते हैं, वो हमारे पास कीबोर्ड है, नुमेरिक कीपैड वो कह सकते हो, पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, रिमोट कंट्रोल होता है, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिकल टैबलेट एंड माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, ये लाइट पेन, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बताता जाऊँगा, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो भी आपको साथ ही साथ बताते जाऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पुट करूँगा, देखते हैं उनमें कितने सारों को पता है कि ये देखिए एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अब तक तो एग्ज़ाम में आई थिंक वो आया नहीं, बट वो आ सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन से डिवाइसेज हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, यानी कि जिससे आप डाटा फीड भी कर रहे हो और साथ ही साथ वहाँ से आपको रिजल्ट शो भी हो रहा है। यहाँ पर भी आपको वो एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। तो देखते हैं आप इन 3, 3, 6 और 12 डिवाइसेज में से देखते हैं कौन सा आप डिवाइस उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आज पढ़ेंगे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इनके थ्रू हम सिस्टम में फीड करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास डिवाइसेज हैं जिसमें OCR, स्कैनर, कैमरा, ये सब क्या होता है, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा अभी आपको पढ़ा देता हूँ, बाकी डिटेल स्टडी में आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं OCR की। तो एक डिवाइस होता है जिससे हम जो हमारे करैक्टर होते हैं, जो हमारे ABC होती है, इन सबको रिकॉग्नाइज करके सिस्टम में फीड करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये जो टेक्निक है, दैट इज़ OCR होते हैं, और OCR यानी कि ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कई बार तो आपसे एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो इनके लिए भी डिवाइस होते हैं, वो कौन से डिवाइस हैं उसके हम डिटेल स्टडी करेंगे। स्कैनर के बारे में अभी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पहले ही मैंने थोड़ा सा बताया था कि स्कैनर क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी ये होती है जैसे आपने आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, तो आपकी सारी हार्ड कॉपी जैसे आपने हाथ से लिखा हुआ कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, तो OCR, ये सारे के सारे आपके ये जो हैं मैंने हार्ड सॉफ्ट कॉपी में बनाए हुए हैं। अगर इसी का मैं प्रिंट आउट रखूँ तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है, बट सिस्टम ये स्कैनर क्या करता है, लेकिन आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है। नेक्स्ट आपको कैमरे के बारे में तो पता ही होगा कि कैमरे से हमारी जो फोटो हम क्लिक करके सिस्टम में फीड करते हैं, तो ये हमारा इनपुट का काम करते हैं, हमारी फ़ोटोज़ को सिस्टम में फीड करता है, ठीक है। तो एक होता है आपके पास OMR, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही और आपको काफ़ी सारा समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टीचर के एग्ज़ाम होंगे स्पेशल वो OMR शीट पर ही होंगे, ठीक है। ये क्या होती है, इसके बारे में चलो बाद में पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा आपको। MICR होता है, एक मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आप फुल फॉर्म याद रखो तो इतना ही बहुत है, एग्जाम में तो कई बार फुल फॉर्म ही पूछते रहते हैं। BCR, बार कोड रीडर, वैसे क्यू रिस्पांस, ये एक अच्छी टेक्निक आई है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। QR में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, जो बड़े सारे कोड इसमें फीड हो जाते हैं। QR के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता ही दूँ यहीं पर, कि जैसे आपकी पेटीएम की जो पेमेंट करते हो ना ऑनलाइन, जो आप दुकानों पे जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा एक स्क्वायर सा ब्लैक कलर में ऐसे स्क्वायर सा बॉक्स बना होता है, मतलब प्रिंटेड होता है, उस पर डॉट 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 बहुत सारे डॉट बने होते हैं, उसे हम कहते हैं QR। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बड़े सारे कोड लोड हो जाते हैं इसमें, तो ये काफ़ी चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं दुकानों पर जाके QR के थ्रू ही करते हैं। चलिए अब हम अपना मेन टॉपिक जो हमें हमारे पास डिवाइसेज हैं उनमें हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले कीबोर्ड, ठीक है।
तो कीबोर्ड के बारे में बता दूं कि कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से मैं डेटा को सिस्टम में फीड करता हूं। इट एनेबल अस टू फीड डेटा इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर के सिस्टम में डेटा फीड करना है तो हमारे पास ये कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड का जो नाम मैंने पहले ही बताया था, कीज़ हम बटन्स को बोलते हैं, जो यहाँ पर बटन्स हैं इनको हम बोलते हैं कीज़। और इनसे बना ये बोर्ड, एक बोर्ड सा बना होता है ना सीधा सीधा, तो ये बोर्ड होता है। तो ये कीज़ से बना हुआ बोर्ड इज़ कॉल्ड कीबोर्ड। आप सिंपल याद रखो, स्विच से जो कीज़ हैं इनसे बना हुआ बोर्ड है तो कीबोर्ड हो गया। टाइप ऑफ कीबोर्ड में बात करूँ तो हमारे पास क्वर्टी, एजटी, डवराक एंड अदर्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो कुछ मेन है ये मैं आपको अभी स्टडी करवा देता हूँ। बात करते हैं क्वर्टी की। इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, जो हम दुकानों पे, सॉरी जो आप घर पे यूज़ करते हो, वो तो सारे के सारे क्वर्टी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वर्टी को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे आप नोट करो कि QWERTY, यहाँ पे क्वर्टी लिखा हुआ। तो ये क्वर्टी होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसके बेसिस पे, कीज़ कौन कौन सी कहाँ पे, उसके बेसिस पे होता है कि कौन सी कीज़ किस जगह रिप्लेस की गई है, उसके हिसाब से हमने इसका नाम दिया हुआ क्वर्टी कीबोर्ड। ये इसी हिसाब से डिज़ाइन किया होता है कि हमारे जो जो हमारी टाइपिंग होती है वो काफ़ी ईजिली बेस हो, किस तरह की कोई जैमिंग ना हो, किस तरह की कोई परेशानी ना आए। तभी कभी भी आपने नोट किया होगा कि ABC कभी सीधा नहीं लिखा था, ऐसा नहीं लिखा होता ABCDEFGHIJK, ऐसा नहीं लिखा होता। उन्होंने हमेशा कीज़ इसी हिसाब से बनाई गई होती है कि हम ईजिली वे से हम आराम से टाइप कर सकें। जो ज़्यादा करेक्टर हम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं, वो हमारी उंगलियों के नीचे ही रहें। ठीक है, तो ये जो कीबोर्ड थे ना, ये अब के नहीं बने हुए, ये तो 80s में ही बन चुके थे। बट जो कंप्यूटर के कीबोर्ड है ये बाद में बने हैं। पहले हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड बनते थे, ठीक है, पहले हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड बनते थे और ये इस हिसाब से डिज़ाइन होते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एजटी की। देखिए क्वर्टी और एजटी में फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पर था QW और यहाँ था AZ, ठीक है, बाकी ERTY ही है। तो जो हमारे क्वर्टी कीबोर्ड था उसकी QOW की जगह AZ की आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्वर्टी और एजटी में क्या डिफरेंस है। कीज़ में तो QOW की जगह AZ आ चुका है, एक चीज़। और जो ये हमारा एजटी कीबोर्ड है ये क्या है, इट इज़ द फ्रेंच वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वर्टी कीबोर्ड। ये क्वर्टी कीबोर्ड का ही एक फ्रेंच वर्जन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं डवराक की। ये भी एक अच्छा कीबोर्ड है, ये भी डिज़ाइन किया गया। इसमें भी जो हमारे पास बेसिक कीज़ होती है जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उनको उंगलियों के नीचे ही रखते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा हम उंगली यहाँ पे प्रेस करते हैं। आपको अगर नहीं पता तो मैंने कंप्यूटर की वीडियो में भी वो सब आपको, कंप्यूटर के जो फोल्डर है उसमें एक टाइपिंग के लिए भी मैंने आपको दी हुई है वीडियो, जिसमें मैंने ये सब कीज़ के बारे में वहाँ पर भी आइडेंटिफाई किया था कि उंगलियाँ कहाँ रखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम उंगलियाँ रखते हैं, कीज़ हमारी जो होती है फिंगर्स हम यहाँ पर प्रेस करके रखते हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी टाइपिंग बहुत स्मूथ वे से और काफ़ी फास्टली कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे ये कीबोर्ड था जो ऐसे इस हिसाब से बनाया गया था, जो हमारी मोस्ट कॉमन यूज्ड लेटर अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वो हमारे हाथ के नीचे रहते हैं, वो फर्स्ट रो में ही रखे जाते थे जो, ठीक है, मिडल रो में, सॉरी जो नीचे मिडल रो ही थी इसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, मैंने हिस्ट्री तो मैंने सबकी दी है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप उसमें ये अच्छे से हिस्ट्री और भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से भी कुछ पूछ सकते हैं कि किसने कहाँ कैसे बना था, ये भी सब पूछ सकते हैं। तो थोड़ा तो मैं बताता जाऊँगा, बट काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं वो आपको खुद भी पढ़ सकते हो आप। और जिस इसको नोट चाहिए होंगे वो मुझे प्लीज़ मेल कर सकता है, मेरी मेल आईडी भी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो रुको मैं आपको मेल आईडी भी देता हूँ। मेरी मेल आईडी जो आजकल हमने एक नई मेल आईडी बनाई है वो है jksbonlinestudy.14@gmail.com। जो नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते तो वो मेरी इस ईमेल आईडी पे jksbonlinestudy.14@gmail.com पे मेल कर सकता है, और जो जो उसको नोट्स, जिस टॉपिक के जो नोट्स चाहिए वो मुझे कह सकता है। मैं आज ही शाम को आपको यह सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिनको नहीं मिले हुए, जो जो नोट्स नहीं मिले वो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 1936 में बना था, जिन्होंने इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, जिनके पास ये डिज़ाइन था उनका है, नाम था अगस्त्य डवराक, और साथ ही साथ उनके साथ जो हेल्प करने वाले थे उनके ब्रदर इन लॉ यानी कि डॉक्टर विलियम डीले था। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, हमारे कीबोर्ड का जो स्टैंडर्ड की कंप्यूटर कीबोर्ड कोई बने हुए हैं, तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है हमारे पास, क्योंकि कीबोर्ड चेंज होता जाता है। हमारे पास जो जो कीबोर्ड अभी तक बने हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पुराना कीबोर्ड जो बना था उसमें 84 कीज़ होती थी, उसके बाद थोड़ा अपडेटेड हुआ, हमें डिमांड बढ़ती जाती है, आपके नए नए एप्लीकेशंस आते आते, नए नए आपको यूज़ करने, नई नई चीज़ें आपको ऐड करनी है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ नए नए तरीके के और काफ़ी सारे प्लस माइनस यहाँ और भी आपके करैक्टर आते जाते हैं, उन सब करैक्टरों को
जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो वो जब ऐड हो जाते हैं तो हमें कीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपके एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, आपको काम काज कुछ अलग तरीके करने, तो वो कीबोर्ड में ऐड करते रहते थे, जैसे हमारे कीबोर्ड 84 से जाके अब 101 हुई थी। अब हमारे पास जो बेसिक कीबोर्ड है, जो आप विंडो कीबोर्ड है जिसे हम कहते हैं, जो हम कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ़ कीज़ होती है वो 104 होती हैं। कौन कौन सी कीज़ होती है, क्या क्या, ये हम थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं। बस ये है कि पहले 84 थी, अब अपडेटेड जो आ चुके हैं 104, इसमें मिनिमम होती है, प्लस होती है, 104 से ज़्यादा ही होंगी। मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ कीज़ में। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टाइप ऑफ कीज़ में हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ होती है। अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ाबेट, जो आपके ए बी सी डी ई एफ जे, ये सारे के सारे, ए बी सी तो है नहीं, एस डी एफ जे के एल एस सेमी कॉलन, ये सब होते हैं, के ओ डब्ल्यू आर टी वाई, ये सब सारे के सारे आपके कीज़ हैं जो अल्फ़ा हैं। और साथ में मैंने आपको कहा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जो भी हैं नंबर यहाँ पे जो बने हुए हैं, ये सारे आपके न्यूमेरिक कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैंने जो नेक्स्ट टाइप बताया वो फंक्शनल पंक्चुएशन कीज़ हैं। पंचुएशन कीज़ कौन होते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सारी सारी यहाँ पे बनी होती हैं, काफ़ी सारी कीज़ होती हैं यहाँ पे पंचुएशन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी पंचुएशन कीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपकी कमांड कीज़ होती है। कमांड की में जैसे हमारा, हम कमांड देते हैं, डिलीट कर दो, रिटर्न कर दो, एंटर कर दो, ये यहीं पे होती हैं सारी कीज़, ठीक है। तो ये हमारी कमांड कीज़ होती है। इसके अलावा हमारे, मैंने कुछ और टाइप में नहीं किया हूँ, मैंने स्पेशल कीज़ में उसको इंक्लूड किया हुआ है। उसमें हमारे पास फंक्शनल कीज़ होती हैं। फंक्शनल कीज़ हमारे पास F1 से लेके F12 तक होती है। जो पुराने कीबोर्ड थे जिसमें 84 कीज़ थी, उसमें 10 होती थी, ठीक है। अब जो लेटेस्ट आया जिसमें 104 है, उसमें हमारे पास जो फंक्शनल कीज़ है वो 12 हैं, F1 से लेके F12 तक। आई थिंक कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ अगर आपसे पूछते हैं तो वो भी मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, वो भी किसी दिन, और भी देख लेता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी कीबोर्ड के रिलेटेड, बट फिर भी देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है कि इसमें फंक्शनल कीज़ 12 हैं। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल की होती है, यहाँ पे CTRL दो होती हैं, एक ही बोर्ड है, इधर भी एरो कीज़ होती हैं ये वाली, और इसको नेविगेशन भी बोलते हैं, और डायरेक्शन कीज़ भी आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। और साथ ही साथ कैप्स लॉक कीज़ होती है, ठीक है। अभी मैंने इतना ही भी आइडेंटिफाई किया, कुछ जगह पर आपको फंक्शनल कीज़ अलग से भी दी जा सकती हैं, और कुछ और भी टाइप की कीज़ आपको आइडेंटिफाई की होंगी, लेकिन वो मैंने छोड़ा नहीं है, वो भी आपको मैंने नीचे दे दिया है। बट इनसे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्चुअल कीबोर्ड कौन सा होता है, ये एग्ज़ाम में आया था। तो वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, जैसे आपको ये कीबोर्ड प्लास्टिक का कीबोर्ड आपके घर पे होता है, आप टाइप करते हो उसकी हेल्प से, ठीक है। अगर ऐसा कीबोर्ड जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, ऐसे ही वहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ कीबोर्ड आता है, मैं यहाँ से, मुझे कमांड लिखना है, मैं यहाँ से माउस की हेल्प से माउस की जो पॉइंटर की हेल्प से मैं लिखूँगा CMMANDE, तो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ, तो ये होता है वर्चुअल की। वर्चुअल क्या होता है, एक सॉफ्ट कीबोर्ड होता है, मतलब एक जो सिस्टम के अंदर आता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। एक अंदर जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो बना होता है ना कीबोर्ड आता है, सिस्टम में आता है, हमारे पास होता है। आप सेटिंग वहाँ पे जाओगे, एक्सेसरीज में जाके देखना, वहाँ पे आपको ये दिखेगा, एक वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम के अंदर बना होता है, इसे हम कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। नेक्स्ट, एक एग्ज़ाम में पूछा गया टॉगल कीज़ कौन सी है। टॉगल कीज़ वो वाली कीज़ होती हैं जिनके पास ये ऑप्शन होता है ऑन ऑफ का, जिनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ वो क्या करता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में स्विच कर देता है, ठीक है। तो कैसी, कौन कौन सी कीज़ हैं जो ये स्विच मूवमेंट कर देती हैं एक फंक्शन से, जैसे कैप्स लॉक होती है। अब कैप्स लॉक की क्या करती है, अगर आप कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे, आपके जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर आना शुरू हो जाएंगे। क्वर्टी अब कैपिटल में लिखा हुआ है ना, बाकी स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, कैप्स लॉक आपका यही काम करता है, लेटर जो होते हैं कैपिटल लेटर में आना शुरू होते हैं। नंबर लॉक करूँगा तो ये नंबर लॉक हो जाएंगे और डायरेक्शन बन जाएगी, और वापस ऑफ करूँगा तो ये क्या करता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे स्विच कर जाते हैं, परमानेंटली हो जाते हैं जब तक आपने एक बार प्रेस कर दिया। साथ ही यार इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है ना, वो फंक्शन ऑन, वो फंक्शन ऑफ, इस तरीके से। वैसे आपका स्क्रॉल लॉक की भी होती है यहीं पर, इसे स्क्रॉल लॉक हो जाता है, तो ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है माउस। तो माउस का मैंने पहले ही आपको बताया था कि माउस की कोई फुल फॉर्म नहीं है। अगर आप देखा जाए तो फुल फॉर्म बनाई गई है, काफ़ी सारे लोगों ने इसकी फुल फॉर्म डिज़ाइन की थी, बट अगर हम स्टैंडर्ड, अगर इसके बारे में आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको पता चलेगा ना ही कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है, ना ही माउस की कोई फुल फॉर्म है, बट काफ़ी सारी छोटी मोटी बुक्स में ये सब आता रहता है। बट आप इसकी डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि माउस की कोई फुल फॉर्म नहीं। माउस का जो नाम इसकी लुक के हिसाब से, इसके डिज़ाइन के हिसाब से ही पड़ा था, ठीक है। माउस हमारा क्या डिवाइस होता है, माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि हम इसे पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। और ये जिन्होंने डिज़ाइन किया था, इसके बारे में मैंने आपको दिया, इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलास एंजल बार्थ इन 1963, ठीक है। हमारे पास तीन बेसिक टाइप के माइसिस यानी कि माउस आते हैं, माउस का प्लूलर माइस, जिसमें हमारे पास मकैनिकल, ऑप्टा मकैनिकल और ऑप्टिकल होता है, ठीक है। जो भी
पुराने जिन्होंने आज से 4 साल पहले कंप्यूटर किया होगा, 5-4 नहीं कह सकता, 6 साल मिनिमम, 4-5 साल पहले जिन्होंने कंप्यूटर किया होगा, उनके पास, उनको पता होगा कि हम वो जो काम करते थे ना वो मैकेनिकल माउस पे उन्होंने सीखा होगा, या जिन्होंने काम किया होगा वो मैकेनिकल माउस पे करते थे, बाद में ऑप्टा मैकेनिकल आया था और अब ऑप्टिकल आ चुके हैं। फ़र्क क्या होता है, मैकेनिकल माउस वो माउस होता है जिसमें, जिसके नीचे एक बॉल लगी होती है, इस माउस के नीचे एक बॉल लगी होती है, वो बॉल रोटेट करती, उससे डायरेक्शन सेंस होती थी। तो मैकेनिकल माउस में क्या होता था, कोई रेज वगैरह नहीं होती थी। ऑप्टिकल का मतलब रेज होता है, ऑप्टो मीन्स एक तरह की रेज होती है, ठीक है, ऑप्टिकल। तो इसमें रेज रूज का कोई काम ही नहीं होता, इसके नीचे सिर्फ बॉल लगी होती, बॉल रोटेट करती तो ये जो पॉइंट है बॉल की मूवमेंट को पकड़ता था और ये मूवमेंट खुद करता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टो मैकेनिकल, उन्होंने क्या किया, बॉल तो थी उन्होंने बॉल के साथ अब रेज का भी यूज़ किया था, उसमें बॉल और रेज दोनों का यूज़ होता था, बॉल रोटेट करती थी और रेज उसको डिटेक्ट करती थी बॉल की मूवमेंट को, उसी हिसाब से जो माउस का पॉइंटर होता था, ये जो हमारा पॉइंटर होता है ये मूवमेंट करता था, ठीक है। एक आपको पता है पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, कर्सर ये है जो वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जिस जो टाइपिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और पॉइंटर दूसरा होता है जो एंगल सा बन के आता है, जैसे ये भी घूम रहा है, ये भी एक तरह का, ये देखिए ये होता है आपका पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल माउस की, तो ऑप्टिकल माउस में क्या हुआ, उन्होंने ये जो बाल का झंझट ही ख़त्म करके बाल को आउट कर दिया और सिर्फ रेज से, आजकल ये जो माउस है ये रेज है, इसके नीचे रेज चलती है, आपने देखी हुई होगी रेड कलर की रेज होती है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होती, तो ये इनके नीचे माउस के नीचे जो रेड कलर की रेज होती है वो चलती है, उसी से ये डायरेक्शन सेंस करता है। बात करते हैं माउस के बटन की, तो अगर हम बात करें तो एक बटन तो है ही है, बट अगर समटाइम हमने देखा गया कि इसमें 3 बटन तो मिनिमम होते ही हैं आजकल। बटन कौन से होते हैं, एक इस तरफ होता है राइट क्लिक, इससे ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैं ये राइट क्लिक किया तो ऑप्शन जनरेट हुए ना सिमिलरली, और वैसे आपका लेफ्ट क्लिक होता है, इससे सिर्फ सेलेक्ट होती चीज़ें, ये सिलेक्शन का काम करता है, ये राइट क्लिक से ऑप्शन का काम करता है, और साथ साथ ये स्क्रॉल बार होता है, अगर मैं स्क्रॉल बार को अप डाउन करूँगा तो ये पेज भी अप डाउन करेगा, ठीक है, ये जो पेज अप डाउन कर रहा है ये स्क्रॉल बार की मदद से करता है। तो आपको ये याद हो गया ना किसका क्या फंक्शन है, स्क्रॉल बार पेज को अप डाउन, राइट लेफ्ट सिलेक्शन और ऑप्शन और सिलेक्शन, ठीक है, तो ये सब इसका काम होता है, ये बताया हुआ है, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक बॉल की, तो जो ट्रैक बॉल होता है इसमें क्या हुआ कि जो हमारा पहले जो हमारे पास था ना ये माउस, अब इसे क्या करना पड़ता था कि आपको नीचे डेस्क के ऊपर मूवमेंट करनी पड़ती है इसकी, अभी भी आप करते हो ना डेस्क के ऊपर, बट आप चलो लेज़र आ गया, अब इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, पहले जो माउस थे काफ़ी ज़्यादा मूव करते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रैक बॉल का भी इन्वेंशन किया था। ट्रैक बॉल में क्या होता था, यही जो बॉल थी ना जो नीचे लगाई होती थी माउस के नीचे, जो मैकेनिकल माउस में बॉल होती थी, उन्होंने बोला कि इतनी मूवमेंट करने से तो अच्छा ना कि हम बॉल ही बाहर निकाल लें और बॉल को हाथ से रोटेट करें, और बाकी तो सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बटन तो है ही है, तो ताकि हमारे जो माउस की मूवमेंट ना करनी पड़े हमें, हमारे पास अगर डेस्क के ऊपर हमारे पास जगह कम होती है तो इतनी बड़ी जगह तो माउस ले जाता था, पेन शैन रखने के लिए, डिब्बे शिब्बे कुछ भी सामान रखने के लिए फाइलों की, तो वो दिक्कत थी। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस भी तैयार किया था जिसे हम ट्रैक बॉल कहते हैं, जहाँ पर आपको ये माउस की मूवमेंट नहीं करनी पड़ती थी, आपको इस बॉल रोटेट करना नहीं, और आपके डायरेक्शन सेंस होगी और वहाँ पर पॉइंटर मूव करेगा और आप सेलेक्ट कर सकते थे अपने जो बटन है, ठीक है। तो ये होता है, इसकी हिस्ट्री वगैरह भी दीजिए, आप खुद से भी ये स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और ये यहाँ पे है कि ये पोस्ट वार के बाद बना था, हमारी वर्ल्ड वार के बाद बना था। नेक्स्ट बात करते हैं जॉयस्टिक, ये थोड़ा अच्छा डिवाइस है, इस पर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, ऐसे मैं जॉयस्टिक की बात करूँ तो जो बच्चे घर में वीडियो गेम नहीं खेलते वो भी जॉयस्टिक ही होता है, उसमें स्विच बटन से लगे होते हैं, मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो वैसे ही जो स्टैंडर्ड जॉयस्टिक था जो पहले था जो अभी भी है ये ऐसा होता था। इसमें क्या होता था, इसमें मूवमेंट होती थी, स्विचेज होते थे तरह तरह के लगे, ये हैंडल से डायरेक्शन सेंस होती थी यहाँ वहाँ जाना है, ठीक है, तो ये भी गेम खेलने के काम आता, अभी भी ये काफ़ी सारी वीडियो गेम्स में यूज़ होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग जब बना था ना, इसका जो मेन ये किसके लिए बनाया गया था, एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था, एयरक्राफ्ट की जो एल्टीट्यूड ऊपर नीचे लेते हैं जहाज़ को मूवमेंट करते हैं, आपने देखा होगा जहाज़ में भी ऐसा लगा होता है कॉकपिट में, तो ये यही होता था, ठीक है। ये क्या करता था, उस जहाज़ की डायरेक्शन को, उसके मूवमेंट को हेल्प करता था। और इसमें क्वेश्चन छोटा सा इंपॉर्टेंट बनता है हिस्ट्री के रिलेटेड, क्या पता आपसे ये पूछना ले कि जब ये जॉयस्टिक बना तो पहला कौन सा ऐसा वो था, एयरप्लेन का ही पूछ सकते हैं, एयरक्राफ्ट कौन सा था जहाँ पे ये यूज़ हुआ, तो वो लुईस बेली रॉड्स था, ठीक है, ये आप याद रखिए 1908 में ये यूज़ हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइट पेन। लाइट पेन वैसे ही है जैसे आपका टच स्क्रीन होती है, आप स्क्रीन को टच करते हो ना, और आप आपने तो मोबाइल पे करते ही होंगे, काफ़ी सारे बच्चे हैं तो मोबाइल पे टच करते हो, वो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट, वैसे ही एक लाइट पेन भी होता था स्क्रीन पे, ये मुझे सिलेक्ट करने के लिए जैसे माउस से कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे टच पेन होता था, हमारा लाइट पेन होता था, उसी से मैं चीज़ों को सिलेक्ट करता था, हम तरह तरह के काम कर पाते थे, जैसे आप आजकल हाथ से टच करके कर पाते हो, ठीक है।
इसमें होता क्या था, इसमें एक रेज चलती थी, इसमें भी रेज लगी होती, इसकी वायर कनेक्ट होती थी सिस्टम के साथ ऐसे, वो ये चलती थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता वो यही था कि जो ये लाइट पेन था ये कौन से डिस्प्ले पे यूज़ होता था, तो ये एक CRT डिस्प्ले होती थी, वो स्क्रीन है जो CRT की बनी होती है, यानी कि कैथोड रे ट्यूब, CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब से ये बने होते थे, जो हमारे सिस्टम का जो मॉनिटर होता है उससे बना होता था, और हम आराम से इस पर काम कर पाते थे। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, हमारा जो बेसिक टॉपिक था, हमारे इनपुट डिवाइसेस, ये मैंने ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो जो थोड़े से इनपुट डिवाइसेस रह गए हैं वो, और जो नेक्स्ट इसी के साथ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो कुछ छूट रहा होगा, तो वो मैं ध्यान से सोच समझ के आपको वो वीडियो जल्दी प्रोवाइड करूँगा। और पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम आपसे भी पहले आने वाले हैं, अभी मतलब 15-20 दिन में आ जाएंगे, उसी हिसाब से मेरे को कंप्यूटर की वीडियोज़ अब ज़्यादा अपलोड करूँगा, और साथ में जो इकोनॉमिक्स का एक दो टॉपिक रह गया वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले कर दूँगा ये सब खत्म, डोंट वरी। आप चैनल पे जितनी वीडियोज़ आप अच्छे से देखिए, कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो एंड करता हूँ, और जो भी न्यू चैनल हैं, सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ व्यूअर्स हैं सॉरी, तो वो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इसमें जाके सारी वीडियोज़ देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।